चिकूस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे अपने घर में। वैसे तो लड़कियां कभी 5 मिनट में तैयार नहीं हो सकती, जस्ट अ जोक कि लड़कियां 5 मिनट में तैयार हो जाएंगी, लेकिन हम मेकअप तो 5 मिनट में कर ही सकते हैं। सो आज मैं करने वाली हूँ नो फाउंडेशन मेकअप लुक इन जस्ट 5 मिनट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम फेस क्लीन करके मॉइस्चराइजर लगाएंगे। ये रहा मेरा मॉइस्चराइजर, इसको मैंने काट दिया, खत्म होने वाला है ये। अच्छे से मॉइस्चराइजर को अपनी स्किन पे अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू योर स्किन। उसके बाद 5 मिनट्स हम वेट करेंगे और देन उसके बाद हम अप्लाई करेंगे अपनी सनस्क्रीन। गर्मी नहीं लग रही यार मम्मी? बहुत गर्मी लग रही है, लेकिन वीडियो में ना आवाज़ आती है सिर्फ पंखे की, इसलिए नहीं आएगा, थोड़ी देर की बात है। अच्छे से हम सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे, देन उसके बाद हम अपना मेकअप करेंगे। हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। ये मेरा कंसीलर है, मेरे थोड़े ज़्यादा डार्क सर्कल हैं, इसीलिए मैं थोड़ा डार्क कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। इसको ब्लेंड करेंगे अच्छे से, ब्लेंड 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 ब्लेंड। थोड़ा सा हम फेस पाउडर लगाएंगे। आपके पास लूज पाउडर है, आप लूज पाउडर लगा सकते हो, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो आप अच्छे से लगाओ। इसके बाद हम अपना आईब्रो पैलेट लेंगे, उसमें से बहुत लाइट ले हमें इसको लगाना है। लाइट कहते कहते मैंने डार्क लगा लिया। थोड़ा सा लगाएंगे आईब्रो, अगर आपको लगानी है, अदरवाइज ये आप स्किप भी कर सकते हो। आप नेचुरली आपकी अच्छी हैं तो ज़रूरत ही नहीं है ना ये सब करने की। आई शेडो के लिए मैं अपना ये पैलेट ले रही हूँ, इसमें से एक ब्राउन कलर जो कि मतलब ज़्यादा दिखे ना, लाइट ब्राउन कलर लूँगी मैं ये वाला। बस इसी से मैं अपने आईज पर सेम अपना इस वाली आईज पे अप्लाई करेंगे। ये मुझे सिंपल रखना है इसलिए मैंने ये वाली आई शेडो यूज किया। अब हम अप्लाई करेंगे लाइनर। ये है लाइनर, बहुत ज़्यादा पतला लाइनर मैंने अप्लाई किया अपनी आईज पे, क्योंकि मुझे ज़्यादा मोटा लाइनर नहीं लगाना है। मुझे अपनी आईज को बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना है, बस सिंपल रखना है मुझे अपनी आईज को। मैंने लाइनर अप्लाई कर दिया है अपनी आईज पे। अपनी आईज पे नीचे काजल भी लगा रही हूँ, अगर आपको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हो, बट मुझे काजल अच्छा लगता है लगाना, तो इसलिए मैं काजल लगा रही हूँ। मतलब मैंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया है, मैंने बस आई शेडो लगाया है एंड लाइनर लगाया है और आईब्रो बनाई है। अब हम ब्लशर अप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ब्रश नहीं है ब्लशर के लिए तो आप हाथ से भी लगा सकते हो, बट मेरे पास पड़ा था ये ब्रश तो मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। मैं बहुत लाइट लूँगी कलर, क्योंकि दिन का मेकअप कर रहे हैं हम, बहुत ज़्यादा हाईलाइट हमें इस चीज़ को नहीं करना है। और एक बात और कि जब हम ब्लश लगाते हैं ना ब्लशर, तो ऐसा होता है कि वो बहुत लाइट लग रहा होता है, लेकिन आप 2 मिनट वेट करो, क्योंकि उसके बाद वो स्किन में ऑब्जर्व होता है, उसके बाद वो हमें हमारी स्किन को कलर और ग्लो देता है। तो इसीलिए ऐसा मत करना, नहीं दिख रहा नहीं है, लगा लो लगा लो लगा लो उसके बाद वो ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत ऑब्जर्व की है कि लाइट लग रहा है लगाओ लगाओ, और उसके बाद थोड़ी देर बाद वो तो बहुत ज़्यादा ही हैवी हो जाता है। अब है हमारे हाइलाइटर। अगर आपको हाइलाइटर नहीं अच्छा लगता, आपको नहीं अच्छा लग रहा कि आप थोड़ा शिमरी लुक दो, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मत लगाओ। बट मैं थोड़ा सा लगा लेती हूँ दिन में, क्योंकि थोड़ा सा ये शिमरी लुक देता है ना, लाइक शाइन करता है, तो वो थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इसको लगा रही हूँ।
बहुत ज़्यादा लाइट लगाना है, बहुत ज़्यादा लाइट। हाथ से ही लगा लेते हैं, हाथ से ही लगा लेते हैं, ज़रूरत नहीं है कि यार हम ब्रश ही यूज़ करें, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो हम ये वाली लिपस्टिक लगाएंगे क्योंकि हम बाहर जा रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लाइट डार्क कुछ नहीं करना, इसलिए हम चॉकलेटी ब्राउन कलर यूज़ करेंगे। फिलअप करने के लिए सोची कुछ, ये है मेरा फाइनल लुक।